लॉकडाउन में मुस्लिमों को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन एक जेल में हालात कुछ और ही हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम कैदियों में गजब का भाईचारा देखने को मिलता है। भोपाल की सेंट्रल जेल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल मान रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इस संक्रमण के दौरान भी हिंदू मुस्लिम कैदियों में भाईचारा कायम है। रमजान जैसे महीने में यहाँ 150 हिंदू कैदी आधी रात को उठकर 500 मुस्लिम कैदियों के लिए शहरी तैयार करते हैं, जिसमें ये मुस्लिम कैदियों के लिए चाय और रोटी बनाते हैं। इतना ही नहीं, शाम को इफ्तार के लिए खाना भी हिंदू कैदी ही बनाते हैं। इफ्तार में इन्हें तरबूज, मौसमी फल, खजूर और दूध दिए जाते हैं। खाना बनाने और नमाज पढ़ने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। मुस्लिम कैदियों को खाने में दाल चावल, सब्जी और रोटी दी जाती है। भोपाल सेंट्रल जेल में करीब 3000 कैदी बंद हैं। इसमें 500 कैदी मुस्लिम हैं। इन सभी मुस्लिम कैदियों ने रमजान के चलते रोजे रखे हैं। आम दिनों में बाहरी संस्थाओं से इन कैदियों के लिए खाना आ जाता है, लेकिन लॉकडाउन में जेल प्रशासन भी कैदियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। रोजे के दौरान मुस्लिम कैदियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसे लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही जेल के अंदर निरीक्षण के दौरान मुस्लिम कैदियों से बातचीत की जाती है कि उन्हें किसी चीज की दिक्कत तो नहीं, और अगर उन्हें कुछ सामान चाहिए होता है तो जेल प्रशासन उसे उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि जेल मैनुअल के हिसाब से सभी कैदियों को खाना दिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जेल के अंदर सभी मुस्लिम कैदी नमाज अदा करते हैं। भोपाल जेल की तरह ही अगर सभी जगह हिंदू मुस्लिम भाइयों में इसी तरह का भाईचारा देखने को मिले, रमजान में मुस्लिम की मदद हिंदू करे और नवरात्र में हिंदू की मदद मुस्लिम करे, तो देश की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। न्यूज डेस्क।